जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना हमारे मौजिस मेहमान की गुफ्तगु, जो कि गुफ्तगु फरमा रहे थे जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के ऊपर और उनके दरख्शां पहलुओं के ऊपर, उनकी सियासी ज़िंदगी के ऊपर, उनकी मकावमत के ऊपर, उनकी शुजात के ऊपर, उनके हलम के ऊपर, उनके खुतबात की उन तासीर के ऊपर जो आज भी ज़िंदा है। अली की जाहो जलालत नमूद करती है ज़बाँ पे जब कभी ज़ैनब का नाम आता है। अल्लाह अकबर। आप देखें कि जैसे भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र होता है, फौरन जो है वो जहन जो है वो वहाँ पहुँच जाता है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी याद आ जाती है। आपकी शख्सियत, आपकी ज़िंदगी जो है वो एक नमूना क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए मिशल राह और नमूना रहेगा कि उसके किस पहलू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाए। आप देखते हैं कि इस कदर फैले हुए गुफ्तगू, इस कदर फैले हुए जो मौजूआत हैं कि हम 1400 साल हो गए मगर उसकी तासीर जो है वो कम होने में नहीं आती, बल्कि जो जो वक्त गुजरता है और दुश्मन अपनी कोशिश करता है, सही करता है, उसको मिटाने की मज़मूम हरकतें अंजाम देता है, हम देखते हैं कि वो मज़ीद शोलावर होते हैं और उसके अंदर से मज़ीद जो है वो तवानाई और क़ुव्वत के साथ जो है वो ज़ाहिर होते हैं। और इस वक्त अगर हम मौजूदा ज़माने में देखें और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अफकार की रोशनी में और उनकी आज़ादारी के इस पौधा जो उन्होंने लगाया था, इस वक्त वो कितना तनावर दरख्त हो चुका है, किस कदर जो उस मकतब का आहिया कितना हो चुका है और किस कदर मज़बूती के साथ पूरी दुनिया की तमाम शरारत के सामने सीना सिपर है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो शख्सियत क्या शख्सियत थी। उनका इल्म, उनका ज़ुहद, उनका तक़वा, उनका हलम, उनका परवरदिगार की बारगाह में राज़ो न्याज करना वो किस कदर मज़बूत था कि आप देखें कि जो भी शख्स ये एक फार्मूला है, जो भी शख्स खुदा के नाम को बुलंद करता है खुदा उसके नाम को बुलंद करता है। आज हम देख सकते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया इसके ऊपर दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हैं जो कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर जान फिदा करने वाले हैं और एक तरफ वो शरारती गुरोह, वो टोला है, वो खारजी, वो नासिबी, वो बदबख्त हैं जो कि चाहते हैं कि इस अल्लाह के रोशन हुए वे नूर को बुझा दें। तो इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और हमने लाइव टेलीफोन्स नंबर अपने वज़ा कर दिए हैं स्क्रीन पे, आप भी शामिल हो सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमा सकते हैं। हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उन अफकार की वजह से जो दुश्मन को अज़ियत पहुँची, जो तकलीफ़ पहुँची है, वो उससे बिलबिला उठा है। अगर हम देखें कि इस वक्त मौजूदा सूरत जो शाम की बनी हुई है, जो कि ज़ैनबिया के गिर्द लड़ाई शुरू हुई और पूरे शाम के तूलो अर्ज़ में फैल गई और उन्होंने पूरी कोशिश सर अंजाम दे ली, एड़ी चोटी का जो है वो नाज़रीन ज़ोर लगा लिया कि वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम को नुकसान पहुँचाएँ, उन मुक़द्दसात को ख़राब करें और मतलब बेसिकली जैसे कि क़िबला ने कहा कि वो हरम के इन मुक़द्दसात को तबाह कर भी के भी इन शख्सियात के जो नूर को, इनकी तालीमात को ख़त्म नहीं कर सकते, मगर दुश्मन का जब बस नहीं चलता तो वो ऊँचे हथकंडों पे उतर आता है। और हम देखते हैं कि पूरी बड़ी बड़ी अपने आप को इस्लामी ताकतें कहने वाले मुल्क, जिनका किरदार कुछ और होना चाहिए था, मगर वो इस वक्त जो है वो इस मैदान में कूद पड़े हैं और ख़ुद इस्लाम को ख़त्म करने के दर पे हैं और इस्लाम के सच्चे परहेजगार मुजाहिदीन के साथ नबर आजमा हैं। और अब ये मामला जो है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका, ये कुछ तमीदी पहलुओं से गुज़रता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। ये तमाम की तमाम दुश्मनी है उस मकतब के साथ जिसका आहिया जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया और जब तक ज़िंदा रहीं, जब तक जो है वो तबलीग करती रहीं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का प्रचार करती रहीं और उस मकतब का आहिया करती रहीं। यही वो दुश्मनी है जो 1400 साल से दुश्मन की नींद उड़ाए हुए है, उनको किसी लम्हे किसी लहजे चैन नहीं आता, उनको चैन नसीब नहीं होता और वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि कई तमीदी पहलुओं से होता हुआ कर्म, कई मराहिल से अब सीरिया का मामला जो है वो एक फ़ाइनल राउंड की तरफ वो बैटल जा रहा है कि हम शुरू में इसको जो है वो एक सियासी हरबा कह के बगावत पैदा की गई जिसके अंदर जो है तुर्की और कतर पेश थे, जो कि अख़वानुल मुस्लिमून की बैक तंजीम है जिसको जैशुल हुर कहा गया, उन्होंने इस बगावत को सर अंजाम दिया और उसके अंदर जो है वहाँ खारजी टोले जमा होने शुरू हुए। फिर आप देखते हैं कि वो अलकायदा का नाम तब्दील करके उसको दाइश की सूरत में वहाँ पर भेजा किया और उन्होंने बराह रास्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम के ऊपर हमला शुरू किया।
ये वो टर्निंग पॉइंट था। अभी अगर दाखिली जंग शुरू हुई थी जो कि बशार अल-असद के ख़िलाफ़ थी, तो वो सीरिया का दाखिली मामला था, मगर जहाँ पर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह के हरम के दिफाए मुक़दस की बात आ जाती है, क्योंकि जनाब हुजूर इब्ने अदी के कब्र को भी खोदा गया, उनके मकबरे को भी ढाया गया, वहाँ धमाका भी किया गया, ये तमाम चीज़ें जो की गई, इससे हसासियत पैदा हुई पूरी दुनिया में। मुहिब आले मोहम्मद जितने भी थे अहले बैत के चाहने वाले, वो इसके ऊपर बड़ी हसासियत रखते थे कि अगला इनका हदफ जो है वो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मकबरा ही होगा, उनका रोज़ा होगा। तो यकीनन पूरी जो है वो तमाम तमानाई और फोर्स के साथ जो है लबनान से शिया मोमिनीन की कसीर जमातें जो है वो दिफाए मुक़दस के लिए जमा होना शुरू हुई, जिसको इन्होंने एक शिया सुन्नी का रंग देने की कोशिश किया, हालांकि ये शिया सुन्नी का मामला नहीं था। एक तरफ खारजी थे और एक तरफ पाक सीरत के मोमिनीन थे जिन्होंने हरम मुक़दस का दिफा किया, उस दहलीज़ के दिफा का स्लोगन के साथ वो वहाँ पर दाखिल होते हैं। वहाँ पर इनको जो है वो नाकामी, शदीद तरीन नाकामी का मुँह देखना पड़ता है, तकफीरी जो अनासिर हैं और वो इनको पसपाई होती चली जाती है, जहाँ पर ये पूरा तकरीबन सीरिया को, जिसको कहा जाए कि ये पूरे छीनने में तकरीबन कामयाब हो गए थे, वो वहाँ पर जो है वो जंग का पासा पलटता है और सीरियन आर्मी जिसमें से बड़े बड़े जनरल मुनहरिफ होकर जैशुल हुर नामी जमात में शामिल हो रहे थे, वो मामला जो है वो रुकता है, थमता है और उन फौजों को तकवीत मिलती है और शिया मोमिनीन और मुजाहिदीन की ज़बरदस्त दिलेराना जवाबी कार्रवाई से, जो कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह के हरम की दिफा के लिए उस हसासियत के तहत वहाँ पर जो हज़ारों में लबनान से दाखिल हुए थे वो कार्रवाई करते हैं और तकफीरियों को पीछे ढकेलना शुरू करते हैं और उनको मौत के घाट उतारते हैं और उनकी और वो इलाके क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। ये सिलसिला जारी वसारी रहता है और हम सुनते आ रहे हैं पिछले कई सालों से कि जो है वो आज ये शहर आज़ाद, ये कस्बा आज़ाद, ये शहर आज़ाद, ये कस्बा आज़ाद, और बाज़ जगहें जो है वो स्ट्रेटेजिक हामियत अहमियत के हामिल होती हैं, उनके ऊपर हिज़्बुल्लाह के हमले होते हैं और वो वहाँ से तकफीरी निजासत को ख़त्म कर देते हैं। एक तरफ तो पूरा शर्क व गर्ब मिलकर तकफीरी दहशतगर्दों की पुशमनाई करता है, जिसमें बड़े बड़े मुमताज़ मुस्लिम ममालिक तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया नज़र आते हैं, जो कि खुलेआम उन दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे थे, यानी कि वो बाकायदा तशय्यों से लड़ रहे थे और पैसा और अपना जितने भी उनके पूरे मुल्कों में जेलों में कैद दहशतगर्द थे उनको तरबियत देकर वहाँ पर भेजा जा रहा था, मगर उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और आपने देखा कि परवरदिगार ने नुसरत की और मदद की मुजाहिदीन की, जो कि दिफाए मुक़दस के लिए आए थे। ये कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अली मौसी भाई, मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूं सर। जनाब खुश आमदीद मोहम्मद अली भाई, फरमाइए। अपना हजरत ज़ैनब बीबी अलैहिस्सलाम का, सलामुल्लाह का सबको मुबारक हो, जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें कि बात मैंने मौलाना साहब को भी सुना है, आपकी भी गुफ्तगू मैंने सुनी है, लेकिन मसला ये है कि जो बीबी का मैसेज था नबी पाक का, मौला कायनात का, मामे हुसैन अलैहिस्सलाम का, बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। बीबी यजीद के दरबार में खड़ी थी तो इंसाफ मांग रही थी कि मेरे भाई के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार कर लो और मुझे इंसाफ दे दो, लेकिन उस दरबार में से इंसाफ नहीं मिला। आज जितनी भी हुकूमतें, खास तौर पर मैं पाकिस्तान में पैदा हूं, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, आज भी अदालतों के बाहर चले जाएं अली भाई, वहां पे आपको बूढ़ी बूढ़ी माएं, बहनें, बच्चों को साथ लिए हुए अदालत के बाहर बैठी होंगी। जो जज होगा उसका नाम होगा फलां फलां फलां, जो वकील उनका होगा उसका भी नाम बड़ा लंबा फलां फलां होगा। तो मेरी ये तजर्बा है कि मैंने, जब मैं स्कूल जाता था तो उस बूढ़ी औरत को, मैं अच्छी बली थी, उसको अदालत के बाहर बैठा हुआ देखता था। कुछ अरसे के बाद वो डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन के बाद वो फिर वो पागल हो गई, यानी कि उस अदालत के बाहर बैठी हुई वो बूढ़ी औरत आखिर वो मर गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं उलमा दीन से, जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो हमारे पास हस्तियां हैं, इनको इनको तो पहले आजाद कराएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके मैंने अपने सुन्नी भाई पता क्या करते हैं, वो कुरान पाक पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करवाते हैं, सब कुछ कराने के बाद
उसको मस्जिद से जब बाहर निकालते उसको कहते हैं कि जा भी आप अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत के नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा करना है, यानी कि उनके जो पैगाम आते हैं जो बातिल कूफतों से टकराए हैं या उन एहतसाली कूफतों के साथ उन्होंने टक्कर ली है उसकी तालीमात नहीं देनी, सिर्फ ये कहना है कि आप तेरा काम है अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत के नाम ले लेके चंदे इकट्ठे करना है। मैं उलमा दीन से यही पूछता हूं कि बीबी का जो मैसेज था, बीबी को इंसाफ नहीं मिला था, क्या आज हमें अपने अपने टाउन के अंदर उलमा दीन जाएं और वहां पे कचहरी होगी, जज साहब भी बैठे होंगे, वहां पे देख लें कि वही औरत इंसाफ लेने के लिए बाहर बैठी हुई है, गैरत के नाम के ऊपर कत्ल किए जा रहे हैं, यानी कि औरत आजाद नहीं हुई। तो बड़ा एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अली भाई आप आवाज उठाएं कि नबी पाक से लेके करबला तक जितनी भी शहदा हैं इनको पहले आजादी कराएं, क्योंकि हर आदमी ने सिर्फ और सिर्फ इनको यूज किया है चंदे मांगने के लिए, जो मैं आज तक देख रहा हूं, अभी तक कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है। मैं तो शर्मिंदा हूं बीबी से, हकीकत बात है, लेकिन चलो इतनी कोशिश है कि मैं अपनी आवाज उठाता हूं, ये तो मैं कह सकता हूं कि बीबी मेरी आवाज सुन रही है कि मैंने कम से कम उम्मत को ये तो बताया था ना कि अभी तक वो काम नहीं हुआ जो मिशन आपका था, वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक। तो इंसाफ नहीं मिल रहा हमें, तो उलमा दीन इसके ऊपर सोचें और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो क्या कहते हैं करते धरते हैं, इन चीजों को देखें। इंसाफ जब तक आप बिल्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके करबला तक जो मिशन जो जारी था उसकी कंप्लीट नहीं हो सकता। यही जो इस्लाम के अंदर जो तालीमात दी गई थी कि इंसाफ, वही तकड़ी हमारी तबाही और बर्बादी, उसका पलड़ा ही एक तरफ झुका हुआ है। तो अल्लाह करे कि बीबी का जो मैसेज है हम तक औरतों तक अपना जो हुक्मरानों तक पहुंचे और उलमाए दीन तक इसको सही सिम्मत की तरफ लेके चले। तो इस औरत को जिसकी आजादी, जिसको इंसाफ नहीं मिला था यजीद के दरबार में, और आज भी जो 95% पाकिस्तान में क्या कहते हैं इस्लामी जमहूरिया है, वहां पे उसी औरत को इंसाफ नहीं मिल रहा जो बीबी को मानती है। हो सकता है कि हुक्मरान होश के नाखून लें, बहुत शुक्रिया, औरत की आजादी की तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच अली भाई, मुझे देने का, जजाकल्लाह खैर, जजाकल्लाह जी। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मौसी भाई जी। मोहम्मद अली अपना नकवी साहब को शामिल, आपको मुबारक हो जनाब ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा, क्या आपको मुबारक हो बीबी पाक की, आज खूबसूरत दिन, खूबसूरत टॉपिक और खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा रहा है आज। मौसी भाई ये वो बीबी है कि अगर इसको इंसान अपनी जिंदगी में अपने लिए एक राह नजात बनाना चाहे तो इस बीबी से हर जिंदगी के हर शोबे में आपको हर किस्म की गाइडेंस मिलती है। ये वो बीबी है जिन्हें हमें हर मुश्किल में जिंदा रहना और हर मुश्किल का मुकाबला सबर से करना सिखा दिया इस बीबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो बीबी है कि जिसने हर रिश्ते को बता दिया कि हर रिश्ते की इज्जत क्या है, हर रिश्ते को कायम रखने के लिए हमें किस हिम्मत और ताकत से करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये मैं कहूंगा आपसे कि ये वो बीबी है कि जिसने अगर भाई बहन का रिश्ता देखे तो उसमें प्यार और मोहब्बत का अंदाज दिखाए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। जिस बीबी ने ये मिसाल पैदा कर दी कि भाई और बहन के रिश्ते में प्यार और मोहब्बत और हकीकत क्या है, वो साबित करके दिखा दिया। अगर इसको माँ के रिश्ते में देखें तो आपको अपने बेटों के बाप को पता चल जाएगा कि इस बीबी ने किस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारी और माँ बन के गुजारी और किस तरीके से अपनी औलाद को किस तरीके से पाला। अगर इस बीबी को अगर एक ऐसे अंदाज में देखें कि जिस अंदाज में मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने जो हिम्मत इस बीबी को दी है, मेरे ख्याल में अगर कोई इंसान सोचे तो वो ये सोच सकता है कि हर मुश्किल में जब अल्लाह की जात को अपने नजदीक पाओगे तो अल्लाह तमाम मुश्किलें आसान भी करता है। कि ये बीबी हर मुश्किल में जहां मुझे मर्द बनना पड़ा तो ये इसने मर्दाना वार मुकाबला करके दिखाया, यजीद जैसे इंसान का लाइन का इसने मुंह मोड़ के रख दिया और इस तरीके से मुंह मोड़ के रखा
کہ بی بی نے یزید جیسے لعنتی کو ساری زندگی کے لیے قیامت تک لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، اور ثابت کر کے دکھایا کہ ہر ظالم کے سامنے اگر کوئی انسان کھڑا ہو، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور حقیقت کو آپ سامنے لینے پہ تل جائے تو ثابت کر دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ ثابت کر کے دکھا دیتا ہے اگر انسان اپنے وجود کے اندر یہ چیز لے آئے کہ میں نے اپنے حق پہ بات کرنی. اگر عبادت کی طرف جاتے ہو تو یہ وہ بی ہے کہ جس نے بے پلانے اونٹوں کی بیٹھ کے کمر پہ بیٹھ کے بھی تجدد کو ادا کیا، اور پاک امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا بی کہ مجھے تجدد میں نہ بھولنا، تجدد میں یاد رکھنا، اور بی نے وہ ثابت کر کے دکھایا. ایک چھوٹا سا واقعہ بی کا بتا کے میں بند کر دوں گا کہ بی امام حسین ابھی چھوٹے تھے تو بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بی سے کہا کہ دیکھنا امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کا ذرا دھیان رکھنا. تو ایک بار رات ایسا ہوا کہ بی سو گئی تو امام حسین کو پیاس تھی، وہ پانی مانگتے رہے، تو بی خواب میں آئی تو کہا کہ میں نے کہا تھا کہ امام کا دھیان رکھنا، امام حسین کا یہ پیاس بہت لگتی ہے رات کو ان کو. تو بی اٹھی، بی نے اٹھ کے جب پانی پہ دیا اور وعدہ کیا کہ میں امام سے کہ آپ مجھے کبھی سوتا نہ پاؤ گے، اب یہ موقع نہیں آئے گا. تو بی نے ثابت کر کے دکھایا اور اس طریقے سے بھائی کے ساتھ دیا، اس طریقے سے ساتھ دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی اور دنیا سوچتی رہ گئی کہ کیا یہ بھی رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے پہ بھی محبت اور پیار کی انتہا دکھا دی بی نے. اور جب میدان کربلا میں پہنچی تو میں موسی بھائی، اگر آج کا مسلمان سوچ لیتا اس بات کو جو بی نے جو قربانی دے کے اپنے اسلام کو بچایا، اگر آج کا مسلمان سوچ لیتا تو آج کسی کا گلا نہ کاٹتا، آج کسی اپنی ماؤں بہنوں کو یہ نیلام نہ کرتا، آج ان کو غلام نہ بناتا، ان کو در بر در نہ پھیراتا جس طرح آج کی ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پہ در بدر پھر رہی ہیں اور پناہیں ڈھونڈ رہی ہیں اور پناہ نہیں مل رہی. اگر اس جذبے کو دیکھ لیتا آج کا مسلمان اور بی بی کو پہچان لیتا اور سمجھ جاتا کہ دین کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں، دین کس لیے آیا ہے، تو کبھی یہ بات نہ ہوتی، کبھی گلے نہ کاٹے جاتے نعرہ تکبیر پہ، اور کبھی مسلمان مسلمان کے سامنے کھڑا نہ ہوتا. لیکن افسوس کہ اس وقت کے یزید نے بھی بی بی کا مقابلہ کیا، اور آج کا یزید بھی اسی طریقے سے آج کی ماؤں بہنوں کو سامنے کھڑا، اسی طریقے سے اپنی ماؤں بہنوں کو نقصان پہنچا ہے جس طرح کے یزید نے نقصان پہنچایا تھا اپنی ماؤں بہنوں کو. میرے بھائی یہ تو اتنا لمبا ٹاپک جی کرتا ہے، چھوڑ ہی نہ اس ٹاپک کو اس طریقے سے بولتا جائے، پھر بھی میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں اتنا کہ خدا را پہچانو، بی بی کے خطبوں کو پہچانو، بی بی کے ان باتوں کو پہچانو، بی بی کے سفروں کو پہچانو، اور بی بی کی محبت کو پہچانو، تو تمہیں زندگی بھی مل جائے گی، عزت بھی مل جائے گی، دین بھی مل جائے گا اور آخرت بھی مل جائے گی. یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، اگر اس کو پہچان جاؤ گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام، موسیٰ بول رہے ہیں. جناب مخصوص ہیں سید صاحب، خوش آمدید کہیں گے اور مبارکباد پیش کریں گے، فرمائیے. ان شاء اللہ اپنے بات کو دو منٹ کے اندر سمیٹ لوں گا. میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے آج کے مبارک دن کی ان کی وراثت کے آپ کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک. شاعر نے دیکھے ایک نقطہ، اپنا ایک انداز فکر ہوتا ہے، انداز نظر ہوتا ہے ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے، چونکہ تیسرا چوتھا مصرع ضروری ہے، اس لیے میں تین چار بات مختصر پڑھنا چاہوں گا. جو فرماتے ہیں کہ یہ جنگ جو کربلا کی جنگ تھی، یہ جنگ سب سے پہلے نبی سے لڑی گئی، بعد از نبی کے وصی سے لڑی گئی، پھر کربلا میں آل علی سے لڑی گئی، ہر دور میں یہ حق کے ولی سے لڑی گئی، پھیلی ہوئی اس کی جڑیں دور دور تک، جاری رہے گی حجتے حق کے ظہور تک. اس میں جناب زینب کا کیا کام ہے، وہ آگے لکھتے ہیں، میدان کربلا کی لڑائی کا سلسلہ بازار کوفہ ہوتا ہوا شام تک گیا، دشوار اور فیصلہ کن تھا یہ مرحلہ، بنت علی نے تیغ خطابت سے سر کیا، اقدام کربلا کی وضاحت کا وقت تھا، تلوار کا نہیں یہ خطابت کا وقت تھا. اس لیے انہوں نے کیا کیا، فرمایا حمد و شکر ہے رب قدیر کا، جس کے سوا نہیں ہے کوئی دوسرا خدا، جس کی نہ ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، جس کی تجلیات سے معمور ہے فضا،
जिसका कर्म है जलवा नमाश जिहाद में, जिसका कोई शरीक नहीं कायनात पे, कायनात में बेशक। और आखिरी बंद कहते हैं, वो फरमाती हैं, जिसने हमारे जद को किया फखरे अंबिया, जिसने हमें किया है अता ताज हल अता, जिसने हमें हिफाजत दी के लिए चुना, बख्शा है जिसने हमको शहादत का हौसला, महबूब कह के जद को हमारे पुकारा है, कुरान जिसने घर में हमारे उतारा है। बातें हम वजह कायनात हैं, हम नाज़िश वजूद, दर पर हमारे रहता है जिब्रील का वरूद, हमसे अगर हो बुग़्ज़ तो बेसूद हैं सजूद, हम अहल बैत पाक हैं हम पर पढ़ो दुरूद, सब अहल हक खराज हमें दिल से देते हैं, हम वो हैं जिनका नाम वजू करके लेते हैं। जावेद ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि ने अपना तआरुफ़ यज़ीद के दरबार में इन अल्फाज़ में कराया था, ये खिताबत का भाई शरीकत हुसैन करबला की और निसफ फाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस जश्न को सही तौर पर मनाने की तौफीक दे, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह मखसूस साहब, बहुत खूबसूरत अशार पढ़े, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। आप देखें कि जनाब ज़ैनब सलाम अल्लाह की शख्सियत बहैसियत बेटी, बहैसियत बहन, बहैसियत माँ, आप देखें कि मिसाली नमूना ठहरता है। मुसलमानों को तो ये चाहिए था कि वो तमाम इन तालीमात के ऊपर अमल करते, मगर बदकस्मती आप देखें। कॉलर को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अनीस हैदर बोल रहा हूँ। अनीस हैदर साहब खुश आमदीद, तो मुबारकबाद पेश करेंगे, फरमाइए। बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह मुबारक करे आपको जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु की विलादत। और मैं हदिया तहनी पेश करूँगा अपने इमाम ज़माने की। इमाम ज़माना रहमतुल्लाह अलैह। और बहुत ही खूबसूरत आपका प्रोग्राम है, आप खुद बहुत बड़े मुझे लगता है आलिम होते चले जा रहे हैं। नहीं मैं तालिब इल्म, आपकी बातों से फायदा होता है क्योंकि तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म ही हैं। मैं सिर्फ चंद अशआर पेश करूँगा क्योंकि मैं हमें दामन वक्त में गुंजाइश करूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फरमाइए। दो तीन अशआर हैं सिर्फ। खुली जो आँख तो हबीबे खुदा की गोद मिली, खुली जो आँख, खुली जो आँख हबीबे खुली जो आँख तो हबीबे खुदा की गोद मिली, सुभान अल्लाह। खुली जो आँख तो हबीबे खुदा की गोद मिली, अली की गोद मिली, फातिमा की गोद मिली, हसन से पैकरो सफो सफा की गोद मिली, इमाम सब्र शहे करबला की गोद मिली, ये गुल वो है जिसे सारे चमन ने पाला है, शरफ ये है कि इन्हें पंजतन ने पाला है, सुभान अल्लाह। शरफ ये है कि इन्हें पंजतन ने पाला है, जब इतनी अजीम हस्ती होगी तो उसका जितना भी तस्करा किया जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाम, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। बहुत माशाल्लाह लाजवाब गुफ्तगू और बेहतरीन मिसरा के, ये वो हस्ती है जिसे पंजतन ने पाला है, सुभान अल्लाह। आप देखें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह की अगर ज़िंदगी के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो मतलब कौन सा पहलू है कि मतलब बेशुमार पहलू हैं जिनके ऊपर इंसान गुफ्तगू कर सकता है। आपके शुजात, आपके हलम, आपके तकवे, आपकी ज़ौद, आपकी मुकामत और उस हिम्मत के ऊपर जो 1400 साल हो गए एक मकतब को जो आपने ज़िया दी है, जो रोशनी दी है, जिसके तहत जो है वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जो कि इस्लाम का दिफा किया जा रहा है। अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती और इस मकतब का इस तरह से तबलीग ना करती तो आप यकीन करें कि इस वक्त इस दीन का नामो निशान मिट चुका होता। यानी जालिम के सामने नबर्द आज़मा होना सिखा दिया, जालिम के सामने जो है वो दिलेराना गुफ्तगू करनी सिखा दी, जालिम के सामने जो है वो उसके दरबार में खड़े होकर किस तरह से उसको जलील व पस्त जो उसका असल मुकाम था उसको दिखा दिया। जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि का ही किरदार था और आपकी ही तालीमात थी, जो कि हमें चाहिए कि इन शख्सियात के ऊपर इन मखसूस अयाम मनाने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि एक दिन पूरा मखसूस करें कि उनकी तालीमात के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके सब्र के ऊपर, उनके हलम के ऊपर, उनके ज़ोहद के ऊपर, उनके तकवे के ऊपर, उनकी शुजात के ऊपर, उनके तमाम ज़िंदगी के पहलुओं के ऊपर, उनकी सियासी ज़िंदगी के ऊपर, सियासत इलाहिया पे जो उनको अबूर हासिल था, उन तमाम पहलुओं के ऊपर एक दकीक निगाह डाली जाए, उनकी तालीमात को पढ़ा जाए और इस ज़माने के साथ रब्त किया जाए कि आज हम जो है वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं और आज हमने क्या तदबीर करनी है। और बिल्कुल चंद लहजे रह गए हैं, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं जहाँ पर कॉलर्स के आने से पहले हमने बात को छोड़ा था कि अब सीरिया का जो मामला है वो एक फ़ाइनल बैटल में जा रहा है और अब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह का हरम जो है वो महफूज हाथों के अंदर है। फिर एक कॉलर को हम शामिल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ये बात हो सकती है लाइव? जी बहन, कौन हो कहाँ से? मैं मिसेज अहमद बोल रही हूँ जर्मनी से। जी मिसेज अहमद जर्मनी से, सिर्फ दो मिनट हैं, फरमाइए।
मैं भाई साहब पहले तो बीबी इस्लामुल अलैहा की विलादत पे सब मोमिनीन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ये एक ऐसी हस्ती है कि जिनके बारे में इंसान सारी ज़िंदगी भी बोलता रहे तो बहुत कम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस दौर में जनाब ज़ैनब इस्लामुल अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को, उनके मकसद को आगे लेके गई हैं, जिस तरह वो जिस दौर में ना मीडिया था ना लोगों को पता था, बेशक, बेशक। और एक ऐसा बेआबान था जहाँ पर किसी को नहीं पता था कि फर्जंदे रसूल जो हैं वो नाहक उनका खून बहाया जा रहा है, उन पर कितने मजालिम हो रहे हैं। लेकिन ये हमारी बीबी ही हैं कि जो इस मकसद को आगे लेके गई हैं, उन पर लाखों दरूद और करोड़ों सलाम, सलाम। वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनको खराज तहसीन पेश करना हमारे बस में नहीं। बस मैं दरूद भेज कर उनको इमाम वक्त को हदिया मुबारकबाद पेश करती हूँ कि मौला हमारे ऊपर अपनी नजरे करम करें और इस बीबी के सदके में हमारी खवातीन को राह हक पर चलने की हदायत। इसी के साथ जो है वह प्रोग्राम भी अपने जो है वह अख्तिताम की तरफ जाएगा इस दुआ के साथ कि हम तमाम लोगों को, तमाम इंसानियत को जो है इस वक्त जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु की तालीमात की अशद ज़रूरत है, उनकी शख्सियत पर गौर करने की, उनकी तालीमात को अपनाने की, उनके रास्ते पर चलने की, तो ये जगह जो कि जहन्नम का एक तबक इस दुनिया मालूम होती है, ये जन्नत के गुलजारों में तब्दील हो जाएगा अगर इन तालीमात को अपना लिया जाए और उनसे दुश्मनी को तर्क किया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह, फिर कल एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।